आपकी शादी कोरियन से हुई है, सो शादी के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहेंगे भैया? एक एग्जांपल है यार, मिलियनेयर बिलियनेयर है जो पाकिस्तान के लोग और नेपाल के लोग यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट के नाम से रेस्टोरेंट चला रहा है। डिस्क्रिमिनेशन, भैया की वाइफ कोरियन है तो कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, कितना लग सकता है? हेलो गाइस, वो सब क्या हाल है आप लोगों के? गाइस, मैंने आज से डिसाइड किया है कि मैं आपको मिलवाऊंगा इंडियंस जो कोरिया में रहते हैं, जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल हैं, उन लोगों से। तो सबसे पहले लिस्ट में है आशीष भैया। आशीष भैया को आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, लेकिन कभी भी ऑफिशियली कोई मीटिंग नहीं हुई या फिर ऑफिशियली मैंने इंट्रोडक्शन नहीं किया। तो आज आशीष भैया से मिलते हैं और उनके बारे में जानते हैं कि हाँ भाई, उन्होंने कैसे अपना जो बिजनेस एम्पायर है या फिर जो बिजनेस है वो कैसे उन्होंने खड़ा किया बिल्कुल जीरो से, और आज वो किस मुकाम पे हैं। लेट्स गो। और बाकी अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आप पुराने हैं तो लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि अब से जो है ना बहुत गजब वाली वीडियो आने वाली है बहुत सारी। भैया नमस्कार। नमस्कार भैया। नमस्कार भाई साहब। सो गाइस, ये हैं आशीष त्रिवेदी भैया, हम भैया कहते हैं, और ये ओनर है रागा रेस्टोरेंट के, ये डेगू में है और ये बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है। भैया से पूछते, भैया आपने कैसे स्टार्ट किया? फर्स्ट क्वेश्चन, रेस्टोरेंट का आइडिया ऐसे हुआ यहाँ कोरिया में। मेरा इंडिया में रेस्टोरेंट था कोरियन, तो मैं वहाँ लोगों को खाना खिलाता था तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन होता था कि यार कम से कम लोगों को कुछ अच्छा खिला के फीड करा के वो फील गुड करते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। नाम था रागा कैफे। रागा कैफे कोरिया में बहुत फेमस है बनारस में। तो उस कारण मुझे रेस्टोरेंट लाइन में थोड़ा सा इंटरेस्ट था। पर जब मैं कोरिया में आया 2007 फर्स्ट टाइम आया, 2010-11 में आया, 13 में शादी किया, तो उस दौरान मैंने देखा कि यहाँ जो पाकिस्तान के लोग और नेपाल के लोग यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट के नाम से रेस्टोरेंट चला रहे हैं, पर यहाँ बेसिकली पाकिस्तानी और नेपाली, अब तो श्रीलंकन भी इंडियन रेस्टोरेंट के नाम पर इंडियन फूड बेच रहा। तो मैं कई रेस्टोरेंट्स में गया, मुझे खाने में वो मजा नहीं आया, वो स्वाद नहीं था, वो स्पाइसेस के आनंद नहीं थे, बहुत कुछ था। तो मुझे लगा कि यार यहाँ अगर एक इंडियन रेस्टोरेंट खोला जाए तो चलेगा। 90% मेरे कस्टमर कोरियन है और अच्छा चला, ठीक चल रहा है। तो भैया, ये जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था तो एज ए इंडियन, एज ए फॉरेनर इन कोरिया, आपने डिफिकल्टीज फेस करी बाय द गवर्नमेंट ऑन लॉज वाज जानने में? यहाँ मेरे साथ तो एक प्लस पॉइंट ये था कि मेरी वाइफ कोरियन है। मेरी की वाइफ कोरियन है, तो वाइफ कोरियन होने के कारण उसने, चूंकि उनके पास अलग जॉब होते हुए भी उन्होंने मुझे टेक्निकली बहुत सी चीज़ों में सपोर्ट किया, और रजिस्ट्रेशन वगैरह में मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब कोरियन जो भी कस्टमर आते हैं आपको देखते हैं तो वो सरप्राइज होते हैं इंडियन ओनर, ऐसा है? कुछ कोरियन होते हैं जो पहली बार आते हैं, और कुछ को मालूम नहीं होता कि मैं यहाँ ओनर कोरियन है, इंडियन है, तो डेफिनेटली उन्हें सरप्राइजिंग होता है। तो बीइंग अ इंडियन ओनर होना ये प्लस पॉइंट है क्योंकि इंडियन रेस्टोरेंट है, या फिर माइनस पॉइंट है? नहीं, प्लस या माइनस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू है, अलग अलग विजन में आप अलग अलग दृष्टिकोण से देखेंगे। तो प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप कोरियन इंडियन ऑनर हो इंडियन रेस्टोरेंट के, तो आप अपने फूड को प्रेजेंटेशन करने में, अपनी चीज़ों को समझाने में ज़्यादा सक्षम हो सकते हो। एट द सेम टाइम अगर आपकी कोरियन अच्छी नहीं है और आप इंडियन ऑनर हो, तो आप कुछ भी खिलाने के बाद अब वो आपसे कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाने के कारण आप, वो आपको नहीं समझ पाएंगे, आप उनको नहीं समझ पाओगे। तो ये दोनों चीज़ों का कॉम्बो चाहिए। अगर आप जैसे कोरियन आती है, इनको कोरियन परफेक्टली आती है, तो आपको लगता है कि हाँ भाई अगर मुझे कोरियन नहीं आती होती तो मैं मतलब इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता? नहीं हो पाता, फैक्ट नहीं हो पाते। नहीं, यहाँ आप इंग्लिश बोल के कस्टमर को दो मिनट के लिए सेटिस्फाइड कर पाओगे, पर अगर वो आप कोरियन बोलोगे ना और कोरियन में समझाने की कोशिश कर पाओगे और समझा पाओगे तो ज़्यादा इम्प्रेसिव होगा। भैया मुझे आपसे ये जानना है कि ये रेस्टोरेंट खोलने में, ताकि लोगों को भी हेल्प मिले, सब लोगों को हेल्प मिले, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, कितना लग सकता है? मतलब लिमिट तो कोई नहीं है, बट हाँ इतने में आपका हो जाएगा इस टाइम? एक एवरेज रेस्टोरेंट अगर
100 रेस्टोरेंट खोलना हो तो अराउंड $1,00,000 से इन इंडियन रुपीज यू कैन से 80 लाख रुपीज अराउंड 80 लाख को 1 करोड़ भी कह सकते हो मैं आपको एक एवरेज रेस्टोरेंट खोल सकता है उस 80 लाख में या 1 लाख में ओ 1 करोड़ में ज्यादा अमाउंट तो डिपॉजिट अमाउंट होगा ना नहीं ऐसा नहीं है ये आप डिपॉजिट अमाउंट की बात कर रहे हो डिपॉजिट अमाउंट डिपेंड करता है आप लोकेशन वाइज डिपॉजिट अमाउंट क्या होगा वो डिपॉजिट अमाउंट की मैं बात नहीं कर रहा मैं इंटीरियर की बात कर रहा हूँ जो किचन के वो है यूटेंशियल्स उसके बात कर रहा हूँ और स्टाफ की बात कर रहा हूँ और तरह तरह की चीज़ों की और बात कर रहा हूँ ये जो 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए जो भी लगेंगे जो खर्चा हो गया ये वापस करने मतलब आने में कितना टाइम लग सकता है अकॉर्डिंग टू यू मतलब एवरेज आपका बिजनेस पॉलिसी क्या है आपके सिस्टम और बिजनेस का वो क्या है अगर आपके यहाँ फूड फॉलिंग ठीक ठाक रही सब कुछ सही रहा तो 3 से 4 साल में आपका पैसा वापस आ सकता है अगर अगर आपका फूड फॉलिंग सही रहा और आपने लोगों को क्वालिटी वाइज फूड बढ़िया खिलाया तो अब तो बहुत से लोग हैं यहाँ खुलते हैं रेस्टोरेंट 3 महीने 6 महीने 8 महीने में फिर वो रेस्टोरेंट फेल डाउन की तरफ चला जाता है क्योंकि वो लोग प्रॉफिट कंसर्न करने के चक्कर में तो आपकी पर्सनल लाइफ इन कोरिया आपने कभी भी क्योंकि मैंने कभी बार डिस्क्रिमिनेशन फेस किया मैंने बहुत सारी वीडियो डाली कभी आपने छोटा सा हल्का सा फुल्का सा कभी भी फेस किया डिस्क्रिमिनेशन नाम की चीज जो है ना जैसे अब इंडिया में जो जनरल टूरिस्ट आते हैं वो भी फेस करते हैं जनरल टूरिस्ट जो आते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन भाई जहाँ पर जहाँ जिस लोगों का जो है बहुमत रहेगा जहाँ जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी उनके बीच में अगर आप फॉरेनर के रूप में रहोगे तो बट नेचुरल कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत 6 सेंस 7 सेंस 8 सेंस आते रहते हैं आपने किया मैं बहुत मुझे बहुत बार तो नहीं महसूस हुआ ऐसा क्योंकि मेरा इंडिया में कोरियन रेस्टोरेंट था तो मुझे कोरियन बहुत अच्छे से बोलने ही आती है तो उस बोलने आने के कारण मैं लोगों को जवाब दे पाता हूँ लोगों के सेंस को क्विकली कैच कर पाता हूँ लोग आपसे भी नहीं कर पाते क्योंकि उनको पता था इसको कोरियन आती है समझ जाएगा ये समझ जाएगा ठीक है तो यहाँ पे भी कोरियन लैंग्वेज का बहुत ही महत्व है नॉट ओनली बिजनेस यहाँ पे भी मतलब टू अंडरस्टैंड देम और सोशलाइज होने में भी यहाँ पे कोरियन लैंग्वेज का बहुत महत्व है तो अगर आपका ड्रीम कोरिया में आना है और कोरिया में बिजनेस करना है या फिर जॉब भी करना है आपको बेसिक नॉलेज ऑफ कोरियन होनी चाहिए ताकि आप अपनी जो फीलिंग्स है एक्सप्रेस कर ले कोरियन के साथ तो भैया एज अ वेजिटेरियन डिफिकल्टीज मुझे उतनी डिफिकल्टीज अगेन स्पीकिंग की मेरी भाषा के कारण मेरी मुझे भाषा ज्ञान होने के कारण मेरी लैंग्वेज नॉलेज के कारण चूंकि मैं इंडिया में कोरियन रेस्टोरेंट बेचता था तो मुझे मालूम है कि यहाँ किस कोरियन फूड में क्या होगा मीट होगा क्या कैसा मीट होगा तो मैं मुझे मेरी रिक्वायरमेंट मालूम है कि मुझे कोरिया में क्या मिलेगा खाने में तो इस कारण से मुझे बहुत डिफिकल्टीज तो नहीं हुई मैं भैया आपकी शादी कोरियन से हुई है सो शादी के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहेंगे यार ये वो लड्डू है ना जो खाता है कोरियन से किसी से भी कोरियन से मैं किसी एक उसकी बात नहीं करता और मैं बहुत सम्मान करता हूँ सभी महिलाओं का सभी बहनों का सभी माताओं का और सभी भाग्यवानों का ये वही भैया है जिनको मैंने शादी से पहले कहा था वही शादी कर रहा हूँ तो वही ने कहा था हाँ ठीक है अच्छी बात है 5 मिनट में शादी होती है और 3 मिनट में तलाक हो जाता है कोरिया में तो ये वही भैया है सो भैया अब बात करते हैं बच्चों की एजुकेशन महंगाई भैया के 2 बच्चे हैं ठीक है और यहाँ पे जो फॉरनर्स होते हैं ना वो बेसिकली वो चाहते नहीं है कि जो उनके बच्चे पढ़े वो कोरियन स्कूल में पढ़े
क्योंकि कोरियन स्कूल में अगर वो पढ़ लेंगे तो वो अपनी कंट्री में जाके या कहीं पे भी जाके नहीं कर सक पाएंगे, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो भैया बच्चों की पढ़ाई इंटरनेशनल स्कूल में देखी जाए तो आपको लगता है मतलब वाजिब है, मतलब जो फीस स्ट्रक्चर है सही है मतलब, या फिर महंगा है बहुत? ये समझ लीजिए कि अप्रोक्सीमेट मिनिमम 20 लाख से 22 लाख कोरियन वन केवल फीस है। 20 लाख से 22 लाख एक साल की? एक साल, एक महीने की, एक महीने की। ओ माय गॉड, 20 लाख से 22 लाख हो गया गाइस, एक डेढ़ लाख के आसपास, डेढ़ लाख से ऊपर, एक 70 के करीब, 1,70,000 रुपए इंडियन रुपीस एक महीने की एक बच्चे की इंटरनेशनल स्कूल में फी है। जिस वजह से बहुत सारे इंडियंस, नॉट ओनली इंडियंस, बहुत सारे फॉरनर्स भी ना कुछ टाइम यहाँ कोरिया रहने के बाद छोड़ देते हैं कोरिया को, क्योंकि भाई पढ़ाई, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर है, पढ़ाई यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है। तो अगर आप सोच के आ रहे हैं अपनी फैमिली को लेकर आना, ये केवल मैंने एकेडमिकल स्कूल की ट्यूशन फी बताई है, इसके साथ बस है, इसके साथ अदर चीजें हैं, सब मिला जुला के देखा जाएगा ना, तो अप्रोक्सीमेट इंडियन रुपीज में 2 लाख के करीब से, 2,20,000 के करीब में पर मंथ का एक्सपेंडिचर है। आपकी क्या एडवाइस है और एज अ बिजनेस एडवाइस क्या दोगे कि लाइफ अच्छी है कोरिया में बिजनेसमैन के लिए, और वैसे भी नॉर्मली भी किसी कोई बंदा पढ़ाई करने के लिए आ रहा है या फिर स्टडीज के लिए, ओ उसके कहते हैं जॉब के लिए आ रहा है, तो उसकी लाइफ अच्छी है या फिर उसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे? देखो कोरिया एज अ कंट्री, एज अ डेवलप्ड कंट्री, कोरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अगर आपके पास कोरियन लैंग्वेज है तो आप यहाँ रहने की सोच सकते हो, और बिजनेस भी यहाँ ईज है, ईज ऑफ बिजनेस है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ जो है आप कोई भी बिजनेस करोगे तो वो एक, अगर आप थोड़ा सा स्ट्रगल और मेहनत जानते हो तो सक्सेस मिलना संभव है, पॉसिबल है। भैया इसी से एक क्वेश्चन और बन गया, एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। तो कोविड हुआ था यहाँ पे तो बहुत सारे मैंने रेस्टोरेंट देखे बंद ही हो गए, बहुत फेमस रेस्टोरेंट जो है बंद हो गए। आपने कोविड कैसे सर्वाइव किया और कोरियन गवर्नमेंट ने आपकी किस तरह से हेल्प करी या नहीं करी? नहीं, कोरियन गवर्नमेंट ने रेगुलर बेसिस पे हर 3 महीने, हर 6 महीने पे कुछ न कुछ हम लोगों को एक राशि दी, एक हैंडसम राशि दी, एक अच्छा पैसा दिया, जिससे कि सर्वाइवल में दिक्कत नहीं आई। कोविड में कोरिया गवर्नमेंट ने मैनेजमेंट तो बहुत जबरदस्त किया, मतलब रिगार्डलेस ऑफ योर नेशनैलिटी उन्होंने इक्वल आपको, रिगार्डलेस ऑफ नॉट माय नेशनैलिटी, रिगार्डलेस ऑफ आई एम डूइंग बिजनेस हियर, आई एम पेइंग टैक्स हियर, सो इन दैट वे दे आर गिविंग मी इन वेल सपोर्ट, दे आर इक्वल सपोर्ट, राइट? इक्वल सपोर्ट, वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड फॉर बिजनेस। लाइक टैक्स में, टैक्स पे भी इस महीने, इस साल का टैक्स आप नेक्स्ट ईयर भी भर सकते हो, बहुत सी फैसिलिटीज, जैसे आप जो ये यहाँ कूड़ा फेंकने का, गार्बेज फेंकने का, जो उसमें भी कुछ स्टिकर्स लगते हैं, पैसे लगते हैं, तो वो कुछ स्टिकर्स उन्होंने एकदम एक साल डेढ़ साल के लिए हटा दिए थे। बहुत सी फैसिलिटी इन लोगों ने बहुत अच्छे से किया था। मैंने म्योंगडोंग इटेवन देखा था भैया, सन्नाटा, सारी दुकानें बंद थी भैया, और बड़ी बड़ी दुकानें बंद हो गई, हमेशा के लिए बंद हो गई। एनीवेज भैया एक और क्वेश्चन आ गया, क्योंकि भैया बहुत इंटरेस्टिंगली बात करते हैं, सीरिया कह रही है। एनीवेज अपने ऐसे कोरिया में साइंस वालों के लिए बहुत हुआ है अपॉर्चुनिटीज, राइट? साइंस वालों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बट अगर कोई कुक हो, कोई शेफ हो, कोई होटल मैनेजमेंट कर रखे हो, तो उसके लिए मतलब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं, जॉब निकलती रहती है? देखो जॉब कुक्स के लिए या होटल मैनेजमेंट के लिए जॉब अगेन डिपेंड करता है आपकी लैंग्वेज बैरियर पे, कि लैंग्वेज स्किल अगर आपके पास है तो बट नेचुरल है कि आप सर्वाइव कर जाओगे, और लैंग्वेज नहीं है तो आप कितने अच्छे कुक हो भाई, ये खाना, जैसे खाना ना पेट आदमी खाता है तो उसका दिल दिमाग सब खुश हो जाता है, उसी तरह लैंग्वेज भी एक है, वो मैटर करता है। बट मैंने भैया जितने भी यहाँ पे सक्सेसफुल इंडियंस देखे हैं, सक्सेसफुल इंडियंस यहाँ पे जितने भी देखे हैं, सारे के सारे कोरियन लैंग्वेज में फ्लुएंट है। एक भी मैंने बहुत ही कम केसेस होंगे जिनको कोरियन नहीं आती होगी, जितने भी बिजनेसमैन है ज्यादातर जो है ना कोरियन लैंग्वेज में फ्लुएंट है।
तो गाइस कोरिया अच्छी कंट्री है, कोरिया पीसफुल कंट्री है। आपको कहीं 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 लगता होगा, मेरी वीडियो से भी लगता होगा कि यार रेसिज्म है, मतलब लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं। ऐसा नहीं होता, सारे लोग नहीं होते, सारे लोग इंडिया में भी अच्छे नहीं होते, राइट। कुछ ना कुछ तो खराबी रहती है, बट डिस्पाइट ऑफ दैट कोरिया में ना बिजनेस और लाइफ जो भी आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज है बहुत ज़्यादा है। तो भैया एक एग्जाम्पल है यार, मिलेनियर है। सो भैया थैंक यू वेरी मच, आपसे हम फिर मिलेंगे, वो आपने बहुत ही वीडियो पे देखा होगा। ठीक है, टेक केयर गाइस, और सब्सक्राइब कर देना।